तो देखिए होता क्या है, अगर आपने कोई वीडियो एडिट की है, उसे एक्सपोर्ट किया है फिल्मोरा या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसका साइज़ जो होता है लगभग 300 से 400 एमबी तक जाता है, और आपकी वीडियो की ड्यूरेशन है वो सिर्फ 3 मिनट की है, लेकिन उसका साइज़ है 300 400 एमबी। तो अगर आप उसे अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे में यूट्यूब सोचता है कि अगर आपकी वीडियो कोई देखेगा तो उसको कम से कम 300 400 एमबी खर्च करना पड़ेगा आपकी 3 मिनट की वीडियो को देखने के लिए। तो ऐसे में यूट्यूब चाहता है कि आपकी कोई वीडियो भी देखे, पर्सन कोई वीडियो देखे, तो उसको कम एमबी या कम इंटरनेट यूज़ करना पड़े। इसके लिए वो क्या करता है, आपकी वीडियोस को जो है कंप्रेस कर देता है। अब कंप्रेस करने के लिए जो है वो बिटरेट को कम कर देगा, जैसे ही बिट, क्योंकि जो साइज़ जो क्वालिटी डिपेंड करती है वो बिटरेट पर डिपेंड करती है। जैसे ही बिटरेट को अगर आप कम करेंगे तो उससे आपकी वीडियो का साइज़ भी डिक्रीज़ होगा, लाइक 300 400 एमबी की वीडियो लगभग 50 60 एमबी तक आ जाएगी, और उसकी क्वालिटी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो व्यूअर्स हैं आपके, वो आपकी वीडियो को कम नेट इंटरनेट यूज़ करके जो है देख पाएंगे। तो ऐसा यूट्यूब करता है। दूसरा, अब इसका जो सोल्यूशन क्या है, तो इसका तो होता ये है कि अगर आप जो वीडियो को अपलोड करते हैं, अगर उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, और अगर बिना प्रोसेस किए वीडियो को अगर आप प्ले करके देखते हैं, तो हमेशा लो क्वालिटी के अंदर दिखाएगा। अब प्रोसेसिंग का टाइमिंग जो है डिपेंड करता है आपकी वीडियो के लेंथ पर, उसके एमबी साइज के ऊपर और उसके बिटरेट के ऊपर। तो बिटरेट जितना बड़ा होगा प्रोसेसिंग उतनी लेट होगी, और आपको जो है आपकी वीडियो का HD फॉर्मेट 20 या 30 मिनट अपलोड होने के बाद देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि 20 से 30 मिनट वेट करने के बाद भी आपका जो अपलोड जो वीडियो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ है, एकदम ब्लर आपको दिख रही है, तो आपने जो है ये सेटिंग्स ट्राई करनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये यूट्यूब की कि अगर आप कोई भी HDR वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उसका फ्रेम रेट 24, 25, 30 के बीच में है, तो आपको इस बिट रेट के ऊपर अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। और अगर 48, 50, 60 फ्रेम रेट है, तो आपने इस बिट रेट के ऊपर उसे अपलोड करना है या एक्सपोर्ट करना है। इस तरह का स्टैंडर्ड रेशियो लेके चलते हैं। तो अगर आप 24, 25, 30 KBPS FPS वाली वीडियोस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको ये बिट रेट यूज़ करना है। और अगर आप 48, 50, 60 फ्रेम रेट के ऊपर जो वीडियो को बना रहे हैं, तो आपने ये बिट रेट की ये सेटिंग रखनी है। तो अगर 8, 12 या 15 MB पे जो है आप बिट रेट सेट कर रहे हैं, तो उसका फाइल का साइज़ है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मेरी जितनी वीडियो हैं जिनको मैं फिल्मोरा के अंदर एडिट करता हूँ, उनका जो मैं, जैसे ये मेरी वीडियो है जिसका जो मैच टू मीडिया आप देखते हैं 1280x720 और 60 फ्रेम पर सेकंड जो है इसका फ्रेम रेट है। और इसे मैं जब भी एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैं इसे रखता हूँ हमेशा 15,000 KBPS, यानी ये होता है अराउंड 15 MBPS पर सेकेंड का जो बिट रेट रखता हूँ। और इससे जो साइज़ है वो हो जाता है लगभग 500 से 600 MB तक जाता है। पर अगर आपको वीडियोज़ दिखाऊँ मैं अपनी, तो मेरी जितनी वीडियोज़ होती हैं वो 1280x720 का रेशो होता है उनका, और 60 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो होती है, और आपको HD का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मेरी वीडियोस के ऊपर। और इनका जो साइज़ है मैं लगभग आपको दिखाता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, तो मेरा साइज़ है देखिए सिर्फ 35 MB। और अगर यहाँ मैंने कोई भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो ली है, मान लीजिए मैंने अनबॉक्स किया था प्रीमियम ईयरफोन, ये मेरी जो है 1280x720 थी और 60 फ्रेम पर सेकेंड पर मैंने इसे एक्सपोर्ट किया था। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं Realme Buds 2 जिसको मैंने परचेज किया अमेज़न से। देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, और इसका राइट क्लिक जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, तो इसका साइज़ क्या है, सिर्फ 135 MB। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी वीडियो को पहले ही कंप्रेस कर लेता हूँ, और कंप्रेशन का मैं ऐसा टूल यूज़ करता हूँ जिससे मेरी वीडियो की क्वालिटी नहीं गिरती, लेकिन उसका साइज़ जो है कम हो जाता है। तो इसके लिए मैं वीडियो को सपोर्ट करता हूँ 15,000 KBPS या 15 MBPS के बिटरेट के ऊपर, और उसे कंप्रेस करता हूँ हैंडब्रेक नाम के सॉफ्टवेयर से। तो हैंडब्रेक क्या करता है, मेरी वीडियो का जो साइज़ है वो काफ़ी कम कर देता है, लाइक 400 से 500 MB की फाइल को ये कन्वर्ट कर देता है अराउंड 100 से 150 MB, लेकिन जो क्वालिटी है वो एकदम सही रहती है, क्वालिटी एकदम HD रहती है। तो यह मैं अपनी हर वीडियो में फॉलो करता हूँ, ताकि जो है एकदम कम MB की वीडियो जो अपलोड हो और यूट्यूब उसे और ज़्यादा कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी ना भी खराब करें, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।